हेलो गाइस वेलकम बैक टू आर चैनल हाईटेक फीवर आज हमारा वीडियो है उन कार्स के बारे में जो कि मीडियम प्राइस रेंज में आती है मतलब नीदर टू एक्सपेंसिव नॉर टू प्राइसलेस ये वो कार्स हैं जो आपकी बजट में फिट हो जाती हैं और परफॉर्मेंस में भी समझौता नहीं करती हैं तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए कस्टमाइज फन और इंटरेस्टिंग गैजेट्स की लिस्ट है जो हमने इतनी मेहनत से तैयार की है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स भी मैंने मेंशन कर दी हैं तो जाओ चेक कर लो यार बढ़िया गैजेट्स हैं नंबर वन अर्बन क्रूजर टाइजर हमारे लिस्ट में पहली कार है अर्बन क्रूजर टाइजर इसकी डिजाइन की बात करें तो ये एक स्लिक और स्पोर्टी लुक के साथ आती है जिसमें ट्रैप जोइर प्रोमियम फ्रंट ग्रिल विथ क्रोम ट्विन एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट और स्टाइलिश कनेक्ट एलईडी डी रेयर कॉम्बी लैम्प शामिल हैं। इसी के साथ ही 16 इंच के अलॉय व्हील्स काफी अट्रैक्टिव हैं। इंटीरियर की बात करें तो ये डुअल टोन प्लस इंटीरियर और प्रीमियम फैब्रिक सीट्स के साथ आता है इसमें 360 व्यू कैमरा हेड अप डिस्प्ले वायरलेस चार्जर और स्मार्ट प्ले कास्ट टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी है रेयर सीट का सिक्सटी फोर्टी अरेन्जमेंट और एनहेंस बूट स्पेस भी इसकी खासियत है चलिए बात कर लेते हैं इंजन की तो ये पावरफुल वन लीटर टर्बो इंजन और एक एक्साइटिंग 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आता है जिसके साथ एक पैडल शिफ्टर भी है सुरक्षा के लिए इसमें सिक्स एयरबैग्स और हार्टेक प्लेटफॉर्म भी शामिल है दिस कार डिलीवर्स एन इम्प्रेसिव माइलेज ऑफ अराउंड 17 किलोमीटर पर लीटर ऑन सिटी रोड्स एंड अप टू 20 किलोमीटर पर लीटर ऑन हाईवे अर्बन क्रूजर टाइजर एक काफी इंप्रेसिव पैकेज है जो परफॉर्मेंस और कंफर्ट दोनों में आउटस्टैंडिंग है और इसकी प्राइस रेंज 7.74 लाख से 13.04 लाख जीरो रुपीज तक जाती है नंबर टू की आर न्यू सोनेट नेक्स्ट अपॉन आर लिस्ट इज न्यू सोनेट इसकी डिजाइन की बात करें तो यह डायनामिक और रगेड लुक के साथ आता है इसमें बोल्ड फ्रंट ग्रिल अग्रेसिव हेडलैम और स्टाइलिश एलॉय व्हील शामिल हैं। फीचर्स की बात करें तो यह 10.25 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यूवीओ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी सनरूफ और वायरलेस चार्जिंग जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आता है इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन के दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस और माइलेज प्रोवाइड करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स एबीएस विद ईबीडी और रियर पार्किंग सेंसर्स भी शामिल हैं इसका प्राइस 7.7 लाख से शुरू होता है और ओवरऑल किया न्यू सोनेट एक एडवेंचर रेडी कार है जो स्टाइल परफॉर्मेंस और सेफ्टी से पैक है सो so, वॉट डू यू गाइज थिंग रेडी टू की नंबर थ्री फ्रॉक्स नेक्स्ट कार ऑन द लिस्ट इज फ्रॉक्स इसकी डिजाइन की बात करें तो ये फ्यूचरिस्टिक और रोबस्ट लुक के साथ आता है इसमें एरोनामिक लाइंस, बोल्ड फ्रंट ग्रिल और स्टाइलिश एलईडी हेडलाइट शामिल है फीचर्स की बात करें तो ये 12.3 पॉइंट थ्री डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पेनानोमिक सनरूफ वायरलेस फोन चार्जर और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आता है इसमें अवेलेबल है एक पावरफुल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि अच्छी खासी माइलेज और परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है स्पीड के मामले में भी यह कार काफी इंप्रेसिव है ऑफरिंग स्मूथ एक्सेलेशन एंड टॉप स्पीड अप टू तो वन किलोमीटर पर आवर सेफ्टी के लिए इसमें एबीएस विद एस डुअल एयर और रियर पार्किंग सेंसर शामिल है इसकी प्राइस 9.5 लाख से शुरू होती है ओवरऑल फ्रॉन्स एक स्टाइलिश और फीचर रिच एस है यू नो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड न्यू फेस ऑफ एस क्यों सेक्सी लग रही है ना काफी तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठ जाओ यार क्योंकि अगली कार ओफो और भी कयामत है ओ लाला नंबर फोर महिंद्रा थार प्रेजेंटिंग टू यू आर नेक्स्ट कार इज द महिंद्रा थार इसकी डिजाइन की बात करें तो ये एक आइकॉनिक और रगेड लुक के साथ आता है जिसमें बोल्ड फ्रंट ग्रिल गोल हेडलैम्प और मस्कुलर बॉडी शामिल है इसमें ब्रेक लॉक डिफरेंशियल टेक ऑफ विथ इवन थ्री व्हील्स स्पिनिंग रेयर पैन हार्ड प्रिवेंटिंग लेटरल मूवमेंट एंटी लॉक और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर शामिल हैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये स्मूथ हैंडलिंग और पावरफुल इंजन के साथ आता है जो हिल होल्ड और हिल डेसन कंट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है और ग्रेडिबिलिटी में भी काफी अच्छा काम करता है इसकी माइलेज भी काफी अच्छी है और इसके थर्ड जेन लाइट वेट और हाई स्ट्रेंथ चेसिस के कारण ये एक मजबूत और टिकाऊ ऑप्शन है ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ये 226 हंड्रेड mm है और इसकी वाटर फोर्डिंग कैपेसिटी 650 हंड्रेड mm है ओवरऑल थार एक एडवेंचर रेडी एसयूवी है जो हर तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार रहती है तो कहा था ना अगली कार और भी सेक्सी है तो चलो अब इसी बात पे वीडियो को लाइक करो जल्दी से जल्दी लाइक करो कर दिया आप लोग करो, करो, डिजाइन की बात करें तो ये शानदार कॉम्पैक्ट यू है जिसमें एलईडी डीआरएल आर एल प्रोजेक्टर हेडलैंप एलईडी टेल लैंप ऑटो फोल्ड डी आर वी एम ऑटो हेडलैम्प और फॉग लैम्प शामिल है इसी के साथ ही इसका डुबिल टोन रूफ इंच डायमंड कट अलॉय व्हील और प्रीमियम डुअल टोन इंटीरियर काफी आई कैचिंग है इंटीरियर में प्रीमियम ब्लैक अप होल्स विथ ट्राई एरो पैटर्न रेयर सेंसर आर्म रेस्ट और डी शेप्ड लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील जैसे फीचर्स मिलते हैं पुश बटन स्टार्ट फाइव स्पीड एडवांस ए एम टी ट्रांसमिशन और यूज के लिए थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी सिक्स लीटर बूट स्पेस भी इसमें अवेलेबल है इसमें वन पॉइंट टू रेवोट्रॉन इंजन विथ डायनालोजी जो कमांडिंग ड्राइविंग पोजिशन और अल्फा आर्किटेक्चर की स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वन एटी से थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी एम एम का वाइडिंग कैपेसिटी है ट्रांजेक्शन प्रो मोड हार्मोन द्वारा फ्लोटिंग टच स्क्रीन एंटोटेनमेंट सिस्टम क्रूज कंट्रोल सिटी और इको ड्राइव मोड रेयर फ्लैट फ्लोर कूल ग्लव बॉक्स फुल्ली ऑटोमेटिक कंट्रोल आई आर ए कनेक्टेड कारोजी नेचुरल वॉइस कमांड रियर पार्किंग कैमरा और रेन सेंसिंग वाइपर्स जैसे एडवांस फीचर्स भी इसमें शामिल हैं फीचर्स तो भर भर के हैं इसमें फोर पर्सोना ऑप्शन भी अवेलेबल है जो इस कार को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं इसकी माइलेज लगभग 18 किलोमीटर पर लीटर की है और टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर की है ओवरऑल टाटा पंच एक फीचर रिच और स्टाइलिश एसयूवी है जो कंफर्ट परफॉर्मेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर है नंबर ओके, सो लास्ट कार ऑफ़ द लिस्ट इज़ ग्रैंड विटारा। इसकी डिजाइन की बात करें तो यह एक शानदार और स्टाइलिश एस है जिसमें एरोडायनेमिक लाइन्स बोल फ्रंट ग्रिल्स और स्लीक एलईडी हेडलाइट शामिल है इसके फीचर्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइव मोड सिलेक्शन और भी शामिल है जो इस कार को एक इंजन जो अच्छी माइलेज और स्पीड परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है।, इसकी कीमत में है और इसमें अवेलेबल फीचर्स के हिसाब से ये काफी वैल्यू फॉर मनी है ग्रैंड विटारा काफी स्पेशियस और कंफर्टेबल इंटीरियर के साथ आता है जो लॉन्ग ड्राइव्स और सिटी ड्राइव्स दोनों के लिए परफेक्ट है गाइस so आज के वीडियो में हमने अलग अलग कारों के फीचर्स और क्वालिटीज के बारे में बात की है सो आपके लाइफ और बजट के अकॉर्डिंग आप इसे चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कार सबसे अच्छी है हर कार अपने सेगमेंट में एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है जो आपके लाइफ में रोमांस और कंफर्ट लाती है वी होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने कार लवर फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा कॉमेंट करके बताइए की आज के कार्स में से आपकी सबसे फेवरेट कार कौन सी थी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार सब्सक्राइब क्यों तो नहीं करते हो कर लिया गुड अच्छी दोस्ती है फिर तो हमारी और हाँ गैजेट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप चेकआउट करना बहुत बोलना हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बाय बाय टेक केयर एंड ड्राइव सेफ ओके टेक केयर